मैं समझता हूँ कि इस वक्त जब पूरा मुल्क मुत्तहिद होना चाहिए था, जब इस वक्त हमें कश्मीर के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाना चाहिए था, इस वक्त जब हम मोदी को कंडेम कर रहे हैं कि मोदी अपने कश्मीर के सियासतदानों को गिरफ्तार कर रहा है, इस वक्त जब हम मोदी को पे तंकीद कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार किया गया है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस माहौल में ही हमारा जो सिलेक्टेड वजीर आजम है, इस वक्त भी अपना ईगो पे, अपना एरोगेंस पे काबू नहीं आ रहा है। वो अपना सियासत कर रहा है, अपना रिवेंज का सियासत कर रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जैसे मैंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि शायद जियाउल हक के वक्त पे, जियाउल हक के वक्त पे सियासी मुखालफीन के घर के औरतें के ऊपर केसेस बनते थे, लेकिन ये फिर से उस दौर के बाद नया पाकिस्तान में हम ये फिर देख रहे हैं। बहुत अफसोसनाक।